दोस्तों काफी बार एक चीज आपने महसूस करी होगी कि जब भी आप अपने डिश टीवी के सेटअप बॉक्स में जब चैनल चेंज करते होंगे तो आपके कुछ चैनल्स पे आपकी वॉल्यूम जो होती होगी काफी ज्यादा होती होगी और कुछ चैनल्स पे आपकी लो होती होगी। ज्यादातर देखा गया है कि जो हाई डेफिनेशन के चैनल है उनकी वॉल्यूम ज्यादा होती है बजाय आपके स्टैंडर्ड डेफिनेशन के चैनल के यानी कि एसडी चैनल के, क्योंकि जो हाई डेफिनेशन के चैनल है उनकी वॉल्यूम आपको ज्यादा मिलेगी और जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन की वॉल्यूम है उनकी थोड़ी सी लो मिलेगी। तो दोस्तों सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या हम इसकी वॉल्यूम को बढ़ा या घटा सकते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, इनको आप बढ़ा और घटा जरूर सकते हैं। तो दोस्तों आप यह अगर आप जानना चाहते हैं कि इनकी वॉल्यूम को आप बढ़ा या घटा सकते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष, आप देख रहे हैं डिकोड मनीष। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ नीचे दिए गए बेल को प्रेस करने से मेरी वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि हम अपने डिश टीवी के जो वॉल्यूम है, चाहे वो एसडी चैनल का हो चाहे वो एसडी चैनल का हो, उसको हम बढ़ा या घटा सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप बढ़ा और घटा जरूर सकते हैं। वो कैसे करेंगे आगे मैं आपको एग्जांपल करके दिखाऊंगा दोस्तों। बट उससे पहले अगर आपको ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, जिससे कि दूसरों को भी अगर ये प्रॉब्लम हो तो उन्हें भी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि हम अपना जो डिश टीवी का जो साउंड है उसे हम कैसे बढ़ाएंगे या फिर एक पर्टिकुलर चैनल का हम साउंड को कैसे बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने अपना जो डिश टीवी का सेटअप बॉक्स है वो अपने मॉनिटर के, मेरे पास ये पुराना मॉनिटर रखा हुआ था, मेरे पास वेस था तो मैंने इसके अंदर एक वीडियोस बनाने के लिए इसमें कनेक्ट कर लिया। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आप अपने डिश टीवी सेटअप बॉक्स को आप अपने मॉनिटर में कैसे चला सकते हैं तो आप इस वीडियो को मैं आई बटन में भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, आप उन वीडियो को जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हम अपने जो डिश टीवी के जो चैनल हैं उसमें हम चैनल्स को कैसे वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। तो देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे अपना सेटअप बॉक्स कनेक्ट कर रखा है, उसके साथ अपना होम थिएटर कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। होम थिएटर की जो वॉल्यूम है मैंने हाई कर रखी है पर मीडियम साइज में हाई कर रखी है, ठीक है, जिससे ज़्यादा शोर ना मचे। अब दूसरा है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसे म्यूट किया हुआ है, ठीक है। अब मैं आप इसको इसकी वॉल्यूम बढ़ाता हूँ और एकदम फुल बढ़ाता हूँ। ये देखिए, ये डिश टीवी का रिमोट है और ये देखिए, ये मैंने इसकी रिमोट पूरी बढ़ा दी, ठीक है। अब आप इसको सोचेंगे अब इसका और वॉल्यूम कैसे बढ़ाएंगे हम, तो देखिए मैं यहाँ से इसको म्यूट कर देता हूँ, कॉपीराइट आने का चांसेस हो सकते हैं। तो यहाँ से आपको करना क्या है, आपको जाना है इस मेन्यू बटन पे, ये जो ऑरेंज कलर का बटन होता है रिमोट के आपके, इसमें जाना है और ये माई डिश टीवी के जो आपके पास है ये माई डिश टीवी, इसमें जाना है, ओके करेंगे। नीचे आएंगे आप चैनल सेटिंग में, चैनल सेटिंग में जाएंगे। अब चैनल सेटिंग में मान लीजिए मैं जी अनमोल सिनेमा देख रहा हूँ और मेरे को इसकी वॉल्यूम हाई करनी है या लो करनी है, मैं एक एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं जी अनमोल सिनेमा फ्री, उसके नीचे लिखा रहा होगा वॉल्यूम ब्लू कलर के में, आप ये ब्लू कलर का जो बटन है आपके रिमोट में इसको प्रेस करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने ऑटोमेटिक अपनी वॉल्यूम जो है उसे बढ़ा रखा है 8 पे। अगर मैं इसे आप कम कर दूंगा तो ये देखिए कम होती चली जाएगी वॉल्यूम, माइनस माइनस फोर माइनस फाइव, ये देखिए आपको फर्क नजर आ रहा होगा बस। और आप यहीं से इसे हम इसे बैक का बटन दबाएंगे, कहाँ गया बैक, जैसे हम इसे सेव करेंगे तो ये बैक का बटन दबाएंगे और यहाँ सेव कर देंगे और ये वॉल्यूम हमारी कम हो जाएगी। मैं इसे म्यूट कर देता हूँ क्योंकि कॉपीराइट आने के चांसेस हैं। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको ये ब्लू कलर का जिस चैनल में भी जाना है, देखिए मैं दोबारा से बताता हूँ आपको, जिस चैनल में भी मान लीजिए आपने ये देखना है, एक सेकंड रुकिए मैं चैनल चेंज करता हूँ आपके लिए, ये रंगनोल, ये देखिए ये ABZ धाकड़ फ्री चैनल है, तो इसका हमें वॉल्यूम जो है उसे बड़ा चेंज करना है। तो उसको हम कैसे करेंगे, मेन्यू में जाएंगे, माई डिश टीवी में जाएंगे और चैनल सेटिंग में जाएंगे। चैनल सेटिंग में यहाँ पे चैनल का नाम आ जाएगा, उसके आगे ब्लू कलर का जो वॉल्यूम दिखा रहा है इस पर प्रेस कर देंगे और अगर बढ़ाना चाहते हैं तो ये राइट एंड ये जो एरो है इस पर आप प्रेस करते जाइए, जितना हाई वॉल्यूम करना चाहते हैं, 8 इसकी हाई वो पिच है तो ये 8 पे रख सकते हैं। अगर कम करना चाहते हैं तो आप इसे माइनस जितना देना चाहते हैं उतने पर कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे मैं मान लीजिए इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ और उसके बाद यहाँ से इसको बैक को बटन दबाइए, बैक करने का यानी कि सेव के लिए ऑप्शन पूछेगा, यहाँ से इसे ओके कर दीजिए, सेव कर दीजिए, तो ये आपकी वॉल्यूम जो है बढ़ जाएगी और घट जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे मैं साउंड इसलिए नहीं सुना पा रहा हूँ क्योंकि कॉपीराइट आने के चांसेस हो जाते हैं और वीडियो पे भी स्ट्राइक आ जाती है, तो इस वजह से मैं इस पे यहाँ पे साउंड नहीं रहा, पर जब आप खुद ट्राई करेंगे तो आपके चैनल पर आप खुद फ़र्क आपको नज़र आ जाएगा।
तो दोस्तों ये था आपके सवाल का जवाब जो मेरे से कमेंट में करके पूछा गया था कि हमारे साउंड को कैसे बढ़ाया जा सकता है और कैसे घटाया जा सकता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।